हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं आलविज़ न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में। आप सभी को पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में स्टार्टिंग से बहुत चीज़ें हुई। कोई कहने लगा कि मैं सुशांत सिंह की आत्मा से बात कर रहा हूँ, कोई कहने लगा कुछ, कोई कहने लगा कुछ। और ये जो बातें थी, काफ़ी तो ऐसी बातें भी थी जो कि इलॉजिकल थी, लेकिन फिर भी इंडिया में काफ़ी लोगों ने इन पर विश्वास किया और सच भी मान लिया काफ़ी लोगों ने। अब मैं आपसे बात करूँ तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो कि कानूनी तौर पे होनी चाहिए थी और सही भी हुआ। इस पर काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स ने बात की, नेताओं ने बात की, जिसमें से एक थे सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने जो है कहा कि मैं सीबीआई की जांच तो इस पर करवा के रहूँगा और इस पर जो है सीबीआई की जांच होनी भी चाहिए। उन्होंने स्पेशली एक लेटर लिखा था और सेंटर से मांग भी की थी सीबीआई की जाँच हो। और आपको बताया आज से 2 दिन पहले सीबीआई के ये केस सौंप दिया गया है और कुछ ही दिनों में जो है इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होने वाली है। सेंटर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, ईडी डिपार्टमेंट इसकी आगे कार्रवाई करना शुरू कर चुका है। आज जो बड़ी रिपोर्ट ये है कि पहले ईडी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया था, उनसे बयान लेना था, उनसे बातें या क्वेश्चंस पूछने थे केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे बड़ी न्यूज़ ये है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले तो कहा था कि वो नेक्स्ट वीक के लिए इसे शिफ्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो अर्जी रिया ने दी थी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मेन पॉइंट ये हुआ कि आज ही रिया चक्रवर्ती को आना था और वो आ भी गई, टाइम से पहले ही आ गई। यहाँ तक कि खुद ईडी के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो नहीं पहुँचे थे, उससे पहले रिया चक्रवर्ती पहुँच गई थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश की नागरिक हूँ तो मेरा टाइम पे आना बनता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ उन्होंने कहा। अब यहाँ पे किस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो मैं बता दूँ, ईडी जो है वो पूछेगा रिया चक्रवर्ती से काफ़ी सवाल, जिनमें से जो उनके पापा ने सुशांत सिंह राजपूत जो फादर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, कि सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट है वहाँ से 15 करोड़ जो है चुरा लिए गए हैं या फिर लूट लिए गए हैं या फिर आप कह सकते हैं रिया चक्रवर्ती ने यूज़ कर दिए हैं। तो उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके ऊपर ये बयानबाजी ली जानी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब ईडी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो कुछ ना कुछ हमें आगे बड़ा देखने को मिलेगा, बड़ा सुनने को मिलेगा। वेल, आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।